यूं तो देश में अभी सीएए को लेकर एक बार फिर से बातचीत होने लगी है, क्योंकि 300 लोगों को इसके अंतर्गत नागरिकता दे दी गई है और 14 लोगों को नागरिकता का सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को जो जमानत दी हुई है उसको लेकर भी काफी बातें चल रही हैं। दरअसल अमित शाह ने इसको विशेषाधिकार बता दिया है, और सबसे बड़ी बात केजरीवाल की जमानत को लेकर ईडी ने उनके द्वारा दिए जा रहे बयानों के खिलाफ कोर्ट में याचिका भी दायर करी थी और उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल ईडी ने एक याचिका दायर करते हुए कहा था कि जो केजरीवाल के बयान है वो कोर्ट को बेइज्जत करने वाले हैं। हालांकि कोर्ट ने इससे कोई रابطہ नहीं रखा और उन्होंने इस पूरी दलील को ही खारिज कर दिया। दरअसल गृहमंत्री अमित शाह ने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी 2029 तक अपने पद पर बने रहेंगे और अरविंद केजरीवाल के लिए मेरे पास एक बुरी खबर है कि 2029 के बाद भी पीएम मोदी ही हमारी लीडरशिप करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने यह जवाब अरविंद केजरीवाल के हालिया बयान पर दिया। दिल्ली शराब घोटाले मामले में अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 2025 में पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे, तो ऐसे में क्या वो उसके बाद रिटायर हो जाएंगे? इसके लिए उन्होंने कुछ और भाजपा नेताओं का हवाला दिया था जिनके विषय में कहा जाता है कि उन्हें 75 साल की आयु के कारण भाजपा ने सक्रिय राजनीति से हटा दिया। केजरीवाल ने दिल्ली में आयोजित एक जनसभा में यह भी कहा था कि जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किराने लगा दिया जाएगा और अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भाजपा ने इसको लेकर केजरीवाल पर तीखा हमला बोला था। अमित शाह ने खुद ये बात साफ करी थी कि पीएम मोदी 75 साल की आयु के बाद भी अपने पद पर बने रहेंगे। उन्होंने एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में यह बात दोहराई। केजरीवाल की जमानत को लेकर भी उन्होंने बात कही। अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट न्याय की व्याख्या का अधिकार है, मैं मानता हूं ये एक सामान्य प्रकार का न्यायिक निर्णय नहीं। काफी लोग मानते हैं कि केजरीवाल को काफी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अभी दूसरे मामले में फंसे हुए हैं, उनको इस मामले से जरा निकलने दीजिए। अमित शाह का इशारा स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली सीएम आवास में हुई बदसलूकी को लेकर है, जिसके ऊपर आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल सही तरीके से जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि नागरिकता संशोधन मतलब सीए के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। इस मंत्रालय ने बुधवार को ये जानकारी, मंत्रालय की ओर से कहा गया कि 14 लोगों को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया है कि सीए के तहत हर एक शरणार्थी को नागरिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को सीए देशभर में लागू किया था। सीए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान। दरअसल 10 दिसंबर 2019 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सीएबी लोकसभा से और अगले दिन राज्यसभा से पारित हुआ था। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मंजूरी मिलने के बाद सीए कानून बन गया था। तो ऐसे में कुछ अगर हम सवालों की बात करें तो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि इसके अंतर्गत किसको नागरिकता मिलेगी। अब इसको लेकर विपक्ष के द्वारा बहुत झूठ, बहुत भ्रामक चीजें फैलाई गई हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित लोग भारत जो आए हैं उनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन तीन देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका भारतीय नागरिकों से सीए का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है, सीए या कोई भी कानून इसे छीन नहीं सकता। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन किए जा रहे थे। आवेदन करने वाले को बताना होता है कि वे भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज ना होने पर भी आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। बाकी विदेशियों को मतलब जैसे कि मुसलमानों के लिए कहा जा रहा है ये अवधि 11 साल से ज्यादा है। 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक सीए पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में कुछ बदलाव किया जाना था। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया था। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी थी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सीएबी को गृहमंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा पेश किया था। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में इसके पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े थे। 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई थी। सीए विदेशियों को निकालने के बारे में नहीं, ये बात बताई गई थी। इसका गैरकानूनी शरणार्थियों को निकालने से लेने देना भी नहीं है। ऐसे शरणार्थियों के लिए विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 पहले से लागू है। दोनों कानूनों के तहत किसी भी देश या धर्म के विदेशियों का भारत में प्रवेश या निष्कासन किया जाना है। सीए को अब तक क्यों टालती रही सरकार, ये भी कई लोगों के जहन में बड़ा सवाल रहता है। तो देखिए, भाजपा शासित असम त्रिपुरा में सीए को लेकर थोड़े बहुत डाउट्स हैं। सबसे पहला विरोध भी असम में ही हुआ था। सीए की व्यवस्था है कि जो विदेशी 24 मार्च 1971 से पहले असम आकर बस गए उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद बांग्लादेश अलग देश बन गया था।
सीए को लेकर लोग काफी ज्यादा डाउट में है कि भाई अगर सीए को देश में एनआरसी यानी नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बनाने की सीढ़ी के तौर पर देखा गया तो लोगों को आशंका है कि ये विदेशी घुसपैठी बताकर बड़ी संख्या में लोगों को निकाल सकते हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में आशंका व्यक्त करी गई सीए के बाद एनआरसी लागू होने से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी वापस बांग्लादेश लौटेंगे। सीए बिल के संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद चार राज्य इसके विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। सबसे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने दिसंबर 2019 में सीए के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते हुए ये कहा था कि धर्मनिरपेक्ष नजरिए से देश के ताने बाने के खिलाफ है, इसमें नागरिकता देने से धर्म के आधार पर भेदभाव होगा। इसके बाद पंजाब और राजस्थान सरकार ने विधानसभा में सीए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। चौथा राज्य पश्चिम बंगाल था जहां इस बिल के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। पश्चिम बंगाल के सीएम ने कहा था कि बंगाल में हम सीए एनआरसी और एनआरसी की अनुमति नहीं देंगे। हाल फिलहाल में देश में यह बहुत बड़ा और गर्म मुद्दा बना हुआ है, लेकिन आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आपको लगता है सीए से देश का कुछ भला होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।